नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो के अंदर। देखिए, आज का जो वीडियो होने वाला है एक प्यारी सी प्रॉपर्टी का वीडियो होने वाला है, जो कि काफ़ी खूबसूरत तरीके से बनाया हुआ है। कंस्ट्रक्शन लेवल भी काफ़ी अच्छा इसका होने वाला है। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं लोकेशन की। लोकेशन जो है वैशाली वेस्ट की लोकेशन होने वाली है, जो कि गांधी पथ वहाँ पे लोकेटेड है। देखिए, सामने की तरफ आप देख पा रहे होंगे फ्रंट एलिवेशन, क्या खूबसूरत फ्रंट एलिवेशन मिला है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। देखिए, आप बालकनी का भी देखेंगे बाहर की तरफ से, टफन ग्लास के साथ जो स्पेस यहाँ बालकनी का दिया गया है वो भी काफ़ी खूबसूरत आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। बात करें इसकी, देखिए साइज़ की, साइज़ जो होने वाली है इसकी 20x60 की साइज़ होने वाली है, यानी कि लगभग 133 वर्ग गज के अंदर ये बना हुआ है। 20 का फ्रंट आपको मिल जाता है तो फ्रंट भी काफ़ी खूबसूरत इसका होने वाला है। सामने की रोड की मैं बात करूँ, 40 फीट रोड होने वाली है। सामने इस तरफ भी देखेंगे आप बसावट, तो काफ़ी अच्छी बसावट और काफ़ी प्यारे प्यारे घर यहाँ पे आपको बने हुए दिखाई दे रहे होंगे। देखिए, एंट्री जो है कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे मिलने वाली है। यहाँ पे भी आपको जो है स्टेयर जैसा लुक दिया है, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छी एंट्री आपको यहाँ पे मिलती है। और इधर देखते हैं तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप खूबसूरत तरीके से वाटरफॉल का यहाँ पे प्रोविज़न दिया गया है, जो कि आपके विला की फ्रंट की खूबसूरती को काफ़ी इम्प्रूव करने वाला है। मेन अगर मैं बात करूँ गेट की, तो कुछ इस तरीके से आयरन के प्यारे से मजबूत से गेट आपको यहाँ पे बना के दिए गए हैं, जो कि ग्रिल जैसा वर्क किया गया है। खूबसूरती को काफ़ी ये बढ़ाने वाला है आपके विला के। जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको एक पोर्च का स्पेस मिल जाता है, काफ़ी अच्छा स्पेस यहाँ पे निकाला गया है। इजीली आपकी फॉर्चुनर जैसी कार आराम से आप यहाँ पे पार्क कर पाएंगे। यहाँ पे बात करें तो ट्राउल वर्क आपको देखने को मिलेगा, जो कि दोनों तरफ पूरी वॉल्स पे आपको ट्राउल वर्क करके यहाँ पे आपको दिया है। वाटर टैंक के प्रोविजन की बात करें तो यहाँ पे वाटर टैंक का प्रोविजन भी मिलता है आपको। इसकी कैपेसिटी की बात करें तो 5 से 6 हज़ार लीटर की कैपेसिटी आपको यहाँ पे मिल जाती है। एक मिनी गार्डन आपको यहाँ पे बना के दिया है, जो कि कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देने वाला है। छोटे मोटे प्लांटेशन वगैरह कुछ लगाना चाहें तो आप यहाँ पे लगा पाएंगे। देखिए, बाहर की तरफ आप ये देख पा रहे हैं वुडन जैसा वर्क, ये ACP वर्क इसको बोलते हैं। ये यहाँ पे ACP पैनल का वर्क आपको दिया गया है। एक एंट्रेंस आपको यहाँ से मिल जाती है, जो कि ड्राइंग एरिया की तरफ आपको लेके जाने वाली है। मेन एंट्रेंस की बात करें तो सामने की तरफ कुछ इस तरीके से आपको मेन एंट्रेंस यहाँ पे मिलने वाली है। यहाँ पे फिक्स ग्लास लगा के अंदर की तरफ रेलिंग लगा के आपको दी है, और 3 स्टेयर से आपको यहाँ पे मेन एंट्रेंस आपको यहाँ पे मिल रही है। देखिए, अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका एक क्लिक हमें और ज़्यादा मोटिवेट करता है आपके लिए ऐसी प्यारी प्यारी प्रॉपर्टी ढूंढ के लाने के लिए। और चाहते हैं इसको विजिट करना तो नंबर आपको मैंने स्क्रीन पे दे दिए, वहाँ कॉल करके आप विजिट के लिए भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। देखिए, आप गेट की हाइट देखेंगे कितनी बड़ी हाइट, काफ़ी अच्छी हाइट का गेट है। और गेट की डिज़ाइन भी देखेंगे, बहुत ही यूनिक और प्यारी डिज़ाइन यहाँ पे गेट की भी आपको दिखाई देने वाली है। जैसे ही एंटर करेंगे हम लोग तो यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता है काफ़ी अच्छा, जो सबसे पहले हम कवर करेंगे इधर वाले स्पेस से, जो कि आपका ड्राइंग एरिया का स्पेस होने वाला है। देखिए, यहाँ पे आप सोफ़ा वगैरह की डिज़ाइन देखेंगे, साथ में आप टेबल्स वगैरह की डिज़ाइन देखेंगे, काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन यहाँ पे की गई है। यानी कि अगर देखें तो ये मकान इस हिसाब से बनाया हुआ है कि जैसे खुद के रहने के हिसाब से जो मकान बनाते हैं, ठीक वैसे ही डिज़ाइन के हिसाब से मकान बना हुआ है। पीछे की तरफ सीनरी वगैरह का वर्क आप देख पा रहे होंगे, कम्प्लीटली जो पर्दे वगैरह लगे हुए हैं काफ़ी यूनिक डिज़ाइन में आपको दिखाई दे रहे होंगे। फॉल सीलिंग की डिज़ाइन भी एक बार दिखा दीजिए, ऊपर की तरफ फॉल सीलिंग की प्यारी सी डिज़ाइन है, इसके अंदर LED लाइट्स। और इस लुक को अच्छा बनाने के लिए आपको देखिए यहाँ पर भी प्यारे से, देखिए छोटे छोटे जो पिलर जैसे वर्क किए गए हैं, काफ़ी यूनिक ये लगने वाले हैं। लिविंग एरिया के लिए एक अलग से स्पेस भी निकाला गया है यहाँ पे, जो कि कुछ इस तरीके से सिट आउट्स के लिए काफ़ी अच्छे स्पेस निकाले गए हैं। उस तरफ भी स्पेस है, यहाँ पे भी स्पेस निकाला गया है। इस वॉल पे देखते हैं तो यहाँ पे भी वॉलपेपर का प्यारा सा वर्क आपको यहाँ पे भी दिखाई देने वाला है, जो कि बड़ी सीनरी के साथ जो है यहाँ पे लगा के दी गई है, जो कि इसकी खूबसूरती को, लिविंग एरिया की खूबसूरती को काफ़ी इम्प्रूव ये करने वाला है। ठीक इस तरफ सामने देखते हैं तो यहाँ पे आपको TV पैनल का स्पेस दिया गया है, जो कि स्टेयर्स के नीचे की जगह को काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे यूज़ किया है, और कुछ आर्टिफिशियल चीज़ें यहाँ पे रख के इसकी खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ाती है। यहाँ पे एक स्टोर रूम जैसा प्रोविजन भी आपको मिल जाता है, जो कि स्टेयर्स के नीचे की तरफ यहाँ पे आपको एक स्टोर रूम भी बना के दिया है, जिसमें कुछ एक्स्ट्रा सामान अगर आप रखना चाहें वो रख पाएंगे। यहाँ पे फॉल सीलिंग की डिज़ाइन आपको और मिल जाती है, फैंस वगैरह की डिज़ाइन भी काफ़ी यूनिक यहाँ पे यूज़ की गई है। ठीक थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको मिलता है एक डाइनिंग एरिया का स्पेस। आप देख पा रहे हैं डाइनिंग टेबल और चेयर्स काफ़ी खूबसूरत और यूनिक तरीके से दी गई है। यहाँ पे भी डिज़ाइन जो देख पा रहे हैं आप, काफ़ी खूबसूरत एक मिरर जैसी डिज़ाइन बना के आपको यहाँ पे भी मिलने वाली है। ठीक इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पे एक कॉमन प्लस अटैच एक वॉशरूम मिल जाता है आपको, जो कि एक बार अंदर से दिखाइए इसका लुक। देखिए आप अंदर की तरफ देखेंगे तो काफ़ी स्पेसियस वॉशरूम है, टाइल्स का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया, ब्रांडेड कंपनी की फिटिंग्स आपको यहाँ पे मिल जाती है। बड़ा सा मिरर यहाँ पे दिया गया है, कुछ इस तरीके से देखिए वेस्टर्न सीट आपको मिल जाती है यहाँ पे, जगुआर जैसी कंपनी की फिटिंग्स आपको मिलती है। गेट्स वगैरह की हाइट काफ़ी अच्छी है, यहाँ पे भी आपको फॉल सीलिंग की डिज़ाइन देखने को मिलेगी, जो कि वॉशरूम में ही फॉल सीलिंग होने वाला है। देखिए, एक लेडीज़ जो घर में होती है उनकी एक सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है किचन की,
जैसे अपने मम्मी की बोलती है कि किचन सबसे स्पेसियस ये, तो वो किचन भी स्पेसियस आपको यहाँ पे मिल रहा है। देखिए आप किचन का स्पेस, यू शेप में आपको किचन मिल जाता है। ग्रेनाइट का यहाँ पे टॉप लगा के दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे भी देखिए आप टाइल्स का और काफ़ी हाइट तक है। फुली मॉड्यूलर किचन, फुली लोडेड किचन आपको यहाँ पे दिया गया है। काफ़ी स्पेसियस है। डबल डोर फ्रीज रखने के लिए भी आपको स्पेशली स्पेस है। यहाँ पे आप ग्लेन जैसी कंपनी की चिमनी और आपको ये चूल्हा आपको मिल जाता है। दोनों तरफ आपको यहाँ पे भी विंडोज़ के प्रोविजन मिल जाते हैं, जिससे कि सनलाइट प्रॉपर बनी रहे, वेंटिलेशन हमेशा आपका किचन में बना रहे। यानी प्यारे तरीके से फुली मॉड्यूलर किचन आपको यहाँ पे बना के दिया है। जैसे रैक्स वगैरह की डिज़ाइन की बात करूँ, कुछ इस तरीके से रैक्स की डिज़ाइन भी आपको यहाँ पे दिखाई देने वाली है। अब बढ़ेंगे आगे की तरफ। नीचे की तरफ एक रूम है, उसको हम कवर करते हैं। देखिए रूम की अगर मैं साइज़ की बात करूँ, तो रूम की साइज़ लगभग 12x12 के आसपास की साइज़ आपको मिल जाती है, जो कि स्टैंडर्ड साइज़ होने वाली है। और यहाँ पे भी आपको देख पा रहे हैं बेड, पूरा जो है किंग साइज़ का बेड, उसके पीछे की तरफ कुशन वर्क और वुडन का जो प्यारा सा जो वर्क देखने को मिलेगा थीम। और यहाँ पे भी आपको जैसे लगेगा कि जैसे वुडन जो टाइल्स का काम किया गया, लेकिन ये काम जो है ये वुडन का है। और प्यारा सा काम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऊपर की तरफ यहाँ पे भी फॉल सीलिंग की डिज़ाइन देखने को मिल रही होगी आपको। ड्रेसिंग के स्पेस की बात करें तो वो भी आपको मिस नहीं किया है। यहाँ पे पूरा ड्रेसिंग का कम्प्लीटली एक स्पेस बना के दे दिया है, जिसमें फुल मिरर और साथ में यहाँ पे रैक्स वगैरह लगा के आपको कम्प्लीट यहाँ पे भी करके दिए। बात करें पीछे बैकयार्ड के स्पेस की, तो पीछे बैकयार्ड का स्पेस भी काफ़ी अच्छा मिल गया। आपके सिलेंडर वगैरह रखने के लिए भी स्पेस यहीं से निकाला गया, यहीं आपको ऑप्शन दिया है, जाल लगा के इसको यहाँ पे कवर किया गया है। तो अभी हमने देखा फ्रेंड्स, नीचे डाइनिंग देखा, ड्राइंग देखा, लिविंग देखा, रूम देखा हमने, किचन देखा। किचन देख के सबसे अच्छा मेरे को लगा, किचन काफ़ी स्पेसिस यहाँ पे होने वाला है। अब बढ़ेंगे हम ऊपर की तरफ, देखेंगे और कैसे क्या चीज़ें। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप कुछ यूनिक सी डिज़ाइन यहाँ पे करके दी गई है, क्योंकि पूरी वॉल पे कंप्लीट आपको डिज़ाइन देखने को मिलेगी। स्टेयर्स जो है वो भी काफ़ी वाइड यहाँ पे होने वाली है। स्टेयर्स में वुडन के साथ टफन ग्लास का वर्क यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे देखिए जो लैंप्स की डिज़ाइन है, काफ़ी यूनिक डिज़ाइन मेरे को यहाँ पे लग रही है। प्यारे प्यारे से लैंप्स जो कि काफ़ी खूबसूरत लुक के साथ दिखाई देने वाले हैं। ये एक आपके पास लिविंग एरिया का स्पेस और आ जाता है। यहाँ पे लगभग 5-7 सीटर का स्पेस आपको यहाँ पे भी दिया गया। प्यारी सी टेबल की डिज़ाइन, सोफे की डिज़ाइन और पीछे वाली वॉल पे देखते हैं। तो देखिए एक बार पास लाके दिखाइए, छोटी छोटी ब्यूटीफुल जो बटरफ्लाई जैसी लुकिंग आपको यहाँ पे दिखाई देने वाली है। और अगेन आपको देखिए एसीपी का काम आपको अगेन आपको देखने को मिलेगा। ऊपर की तरफ दोबारा से फॉल सीलिंग का वर्क भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। देखिए यहाँ आ जाता है एक और बेडरूम। बेडरूम की साइज इसके होने वाली लगभग 12x14 के आसपास की साइज है। मास्टर बेडरूम की तरह ये डिज़ाइन किया गया है। फुल किंग साइज बेड यहाँ पे भी लगाया गया। और पीछे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे भी आपको कुशन वर्क मिलेगा और यहाँ पे आपको प्यारा सा वुडन का वर्क और डिज़ाइन मिलेगी। ऊपर की तरफ फॉल सीलिंग भी देखिए। इस तरफ देखते हैं तो यहाँ पे आपको टीवी पैनल का एक अच्छा सा स्पेस, देखिए नीचे भी यहाँ रैक्स दी गई है जिसमें कुछ सामान रखना चाहें इजीली आप स्टोर कर पाएंगे। और ये आ जाता है इसका एक अटैच वॉशरूम विद ड्रेसिंग। तो देखिए ये सबसे पहले जो देखते हैं पार्ट, ये पूरा ड्रेसिंग का पार्ट आ जाता है। फुली कबर्ड्स आपको ऊपर और नीचे दोनों तरफ वुडन का काम किया गया, काफ़ी अच्छी सनमाइका के साथ है। और सामने पूरा मिरर का स्पेस दिया है जो कि बड़ा स्पेस होने वाला है। और इस तरह वॉशरूम आपको मिल जाता है, फुली वेंटिलेटेड वॉशरूम है। साथ में बात करें सनलाइट भी प्रॉपर आपको इस वॉशरूम में भी सनलाइट मिलती है, क्योंकि ग्लास लगा के यहाँ पे दिया है। वेस्टर्न सीट है, टाइल्स का कॉम्बिनेशन काफ़ी प्यारा यहाँ पे यूज़ किया गया है। देखिए ये डिज़ाइन जो है काफ़ी यूनिक आपको दिखाई देने वाली है। यहाँ से देखेंगे तो लुक आपके विला का काफ़ी खूबसूरत आने वाला है। अब देखते हैं, देखिए ये एक तरीके से स्टडी रूम मान लीजिए, या फिर ऑफिस रूम अगर आप बनाना चाहें वैसे आप इसको बना सकते हैं। यहाँ पे पूरा ही जो है लगा के इसको टेबल टाइप में बना के इसको दिया है। पूरे यहाँ पे भी रैक्स दी है, जैसे कुछ बुक्स वगैरह रखना चाहें वो भी आप रख पाएंगे। काफ़ी अच्छी यूनिक डिज़ाइन इसमें दी है। ऊपर की तरफ यहाँ पे भी फॉल सीलिंग की डिज़ाइन मिल जाती है आपको। और इस वाली वॉल पे देखते तो यहाँ पे वॉलपेपर का वर्क और काफ़ी खूबसूरत सीनरीज भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे एक मिनी बेड भी यहाँ पे लगा के दिया है, जिसमें अगर आप चाहें कुछ रिलैक्स करना चाहें तो आप यहाँ पे भी कर पाएंगे। एक और मास्टर बेडरूम यहाँ पे आपको मिल जाता है। साइज़ की बात करें तो लगभग 14x12 के आसपास की साइज़ आपको अगेन यहाँ मिल जाती है। यहाँ पे भी खूबसूरत बेड, और पीछे की तरफ देखते हैं तो आपको खूबसूरत डिज़ाइन यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रही होगी। फॉल सीलिंग यहाँ पे भी करके दी गई है, उसकी भी डिज़ाइन काफ़ी यूनिक है। सीनरी वगैरह के वर्क की बात करें तो हर जगह यूनिक यूनिक सीनरीज आपको देखने को मिलेगी। टीवी पैनल के लिए यहाँ पे भी एक स्पेस निकाला गया है जो कि कुछ इस तरीके से होने वाला है। यहाँ पे भी रैक्स आपको मिल जाती है। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ आपको चैनल पे नए हैं लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और विला कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताइए। और कहाँ से देख रहे हैं आप
वो भी जरूर कमेंट करके बताया करें, ताकि हम लोग ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमारे हमें कहाँ कहाँ से लोग देखते हैं और किस पर्पस से देखते हैं। आप कोई इंटीरियर डिज़ाइन के पर्पस से देख रहे हैं या फिर परचेज करने के उससे देख रहे हैं, तो परचेज करने के लिए देख रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर है, उन पर फ़ोन करके आप अधिक जानकारी भी ले पाएंगे। देखिए यहाँ पर भी आप देखेंगे तो गेट्स की जो डिज़ाइन है काफ़ी यूनिक आपको डिज़ाइन यहाँ पर देखने को मिलेगी। पीछे यहाँ पर भी एक छोटा सा स्पेस दिया है जिसमें आप कुछ मंदिर वगैरह बनाना चाहें वो बना सकते हैं, या फिर आप अपने हिसाब से और भी कुछ चीज़ें इसमें करना चाहें वो आप कर पाएंगे। यहाँ पे भी आपको स्पेस दिया गया है जो कि यहाँ पूरा जाल लगा के कवर किया गया है ऊपर और साइड में, ताकि सिक्योरिटी पर्पज इसका बना रहे। ये आ जाता है देखिए एक ड्रेसिंग प्लस, यहाँ पे देखिए आपको स्लाइडिंग गेट आपको मिल जाता है जो कि कुछ इस तरीके से होने वाला है। उसके बाद में फुली कबर्ड्स के स्पेस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे क्योंकि ऊपर और नीचे फुली लोडेड कबर्ड्स आपको मिलती है ड्रेसिंग के लिए। सामने की तरफ आपको यहाँ पे मिरर मिल जाता है और यहाँ मिलता है आपको एक वॉशरूम जो कि अटैच वॉशरूम होने वाला है। वॉशरूम की साइज़ काफ़ी प्यारी है। यहाँ पे भी टाइल्स का कॉम्बिनेशन देखेंगे तो काफ़ी प्यारा टाइल्स का कॉम्बिनेशन दिया गया है। वेस्टर्न सीट आपको मिल जाती है, बड़ा सा यहाँ पे भी आपको बड़ा सा एक मिरर का स्पेस दिया गया है। ऊपर की तरफ फॉल्स रिंग आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रही होगी। तो फ्रेंड्स अभी जो हमने देखा एक बार मैं इसकी छत भी आपको दिखा देता हूँ वो कैसे क्या कुछ होने वाली है। देखिए अंदर से यहाँ पे आपको जो वुडन टाइप की यहाँ पे आपको मिल जाती है प्यारी सी स्टेयर्स, क्योंकि काफ़ी अच्छा यूनिक लुक आपको इसमें यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आपको अगेन लैंप्स की डिज़ाइन आपको मिलती है, ये भी काफ़ी यूनिक डिज़ाइन करके यहाँ पे दी है। छत पे भी आप देखेंगे तो कम्प्लीटली यहाँ पे छत को भी अपने हिसाब से तैयार किया गया है कि सीलन वगैरह कोई दिक्कत नहीं आए, क्योंकि टाइल्स का पूरा ही वर्क आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे भी आपको एक पेंट्री छोटी किचन टाइप में यहाँ पे भी आपको स्पेस दिया है और इस तरफ एक वॉशरूम भी दिया है, जिसका फायदा ये कि जब भी कोई छोटी मोटी कोई गेट टुगेदर या पार्टी आप अपने घर में करते हैं तो यहीं से आप कर पाएंगे, यहीं कुछ बनाना है आपको बना पाएंगे और यहाँ इतना स्पेस बच जाता है कि आराम से आप इन्जॉय कर पाएंगे। छत पर जाने के लिए अगेन आपको यहीं से स्टेयर्स मिल जाती है। अब बात करेंगे इसके साइज प्राइस ये सब कुछ कैसे क्या कुछ होने वाला है, बट यहाँ से एक बार लुक दिखाते हुए नीचे चलिए गए एक बार। काफ़ी यूनिक लुक आपको यहाँ पे स्टेयर्स का भी दिखाई दे रहा होगा, साथ में जो लैंप्स के डिज़ाइन यहाँ पे दिए वो लैंप्स के डिज़ाइन भी एक बार दिखाइए वापस। काफ़ी यूनिक डिज़ाइन आपको लैंप्स की यहाँ पे देखने को मिल रही होगी। तो साइज जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे 20x60 की साइज़ यानी लगभग 133 वर्ग गज के अंदर ये बना हुआ है। बात करें इसकी प्राइस की, प्राइस भी काफ़ी खूबसूरत होने वाली है इस लोकेशन के हिसाब से। काफ़ी खूबसूरत प्राइस इसकी रखी गई है, 1,40,00,000 रुपये इसकी आस्किंग प्राइस है। दोबारा लोकेशन आपको बताता हूँ, जयपुर शहर में गांधीपथ वेस्ट जो कि वैशाली वेस्ट का पार्ट है वहाँ पे लोकेटेड होने वाला है। अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर पाएंगे। और लास्ट में मैं कहूँगा दोबारा चैनल पे नए हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसी यूनिक यूनिक चीज़ें आपके लिए ढूंढ ढूंढ के लाते रहते हैं। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।